अभी देख रहे मैं अभी रांची में हूँ और यहाँ JSSCC पेपर लीक मामले में आज जो है झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के सभी झारखंड के छात्र युवा बहुत ही आक्रोश में होते हुए यहाँ रांची में धरना एक रैली कर रहे हैं। और यहाँ देवेंद्र महतो छात्र युवा मंच के देवेंद्र रथ महतो जी की अध्यक्षता में ये और मनोज यादव जी की अध्यक्षता में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ देखिए इनकी रैली। और यहाँ रांची में ये लोग काफी आक्रोशित है क्योंकि JSSC पेपर नगर पालिका पेपर एग्जाम में पिछले 29 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसमें पेपर लीक मामले में ये लोग यहाँ ये आंदोलन रैली कर रहे हैं। और ये जो है ये आज देवेंद्र नाथ महतो मनोज यादव के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं मैं देवेंद्र नाथ महतो जी ये आज भारी आक्रोश रहता है झारखंड के छात्र ये आक्रोशित होकर के ये धरना रैली अब राजभवन के लिए कुछ कर रहे हैं। राजभवन में जाकर के इनका धरना प्रदर्शन होगा और आगे देखा जाए क्या होता है। देवेंद्र महतो जी से मैं जानना चाहूंगा, देवेंद्र महतो जी क्या आज ये जो आक्रोश देख रहे हैं या जो आंदोलन देख रहे हैं या JSSC में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का महा आंदोलन है। चूंकि JSSC पूरा कचरा हो गया है, JSSC के द्वारा संचालित सभी परीक्षा और परीक्षा होने से पूर्व ही पेपर लीक कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन बुकलेट का लिफाफा और OMR का लिफाफा सेंटर पर पहुंचने से पहले खुल जा रहा है। और आज कनीय अभियंता का, लेब असिस्टेंट टेक्नीशियन का, चाहे नगर पालिका का, चाहे PGT का, सबका परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हुआ है। ये हम आरोप नहीं दावा ठोक रहे हैं, यह सत्य है। CBI जांच का मांग किया जाए। आज हम लोग CBI जांच की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और महामहिम के पास जा रहे हैं। क्योंकि ये जो JSSC है बहुत बड़का चोर है। दो दिन पहले बोला, इनकार किया था गलती कर कोई गलती हुआ है, लेकिन आज देखिए कल 5 सेंटर का 7 विषय को रद्द किया है। और असल में जिस सेंटर पर घोपला हुआ है वहाँ रद्द नहीं हुआ है। नागपुर कुछ सब्जेक्ट को किया है, तो इससे नहीं होगा। पूरा परीक्षा का CBI जांच होना चाहिए। झारखंड में इसके पहले भी कई घोटाले हुए हैं, इस तरह के छात्रों को हमेशा फंसाया जाता है। तो छात्र कब तक आंदोलन करते रहेंगे और आप लोग कब तक इस तरह का झारखंड में रैली करते रहेंगे? ये तो झारखंड की सरकार मुख्यमंत्री महोदय तय करेंगे कि कब तक छात्र जो कलम के साथ किताब के साथ लाइब्रेरी में बंद कमरे में पढ़ाई करते हैं उसको आप सड़क पर देखना चाहते हैं। ये छात्र जो कलम के साथ रहते हैं इसको मजबूरन सड़क पर उतारा गया है। इस छात्र को किताब कॉपी कलम के साथ रहने दिया जाए, जल्द ही हथियार उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। इसीलिए हम यही कहेंगे कि JSSC पूरा कचरा हो गया है, इस कचरा को साफ करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि JSSC के गलियारों से झारखंड राज्य के अंदर सबसे ज्यादा नियुक्ति निकलता है और JSSC कचरा हो गया, इसलिए उसका कचरा को साफ कर ही झारखंड का भला हो सकता है। और यह लड़ाई झारखंड नवनिर्माण की लड़ाई में से यह एक प्रमुख लड़ाई है। तो देखते हैं ये छात्र झारखंड के छात्र लगातार जो है अपने धोखेबाजी होने के कारण हमेशा जो है पेपर में किसी न किसी हर वर्ष कुछ न कुछ एग्जाम्स में परीक्षाओं में इनके साथ धोखा दिया जाता है, जिससे इनकी जो अपनी जो पढ़ाई लिखाई है। और ये काफ़ी गरीब छात्र हैं, झारखंड के छात्र बहुत ही गरीब हैं और इनको हमेशा धोखा दिया जाता है। परीक्षा के नाम पर हजारों रुपये लिया जाता है और इन रुपयों को का इस्तेमाल सरकार पता नहीं क्या करती है। और हमेशा इस तरह से पेपर को लीक किया जाता है, 15 लाख 20 लाख में बेचा जाता है अधिकारियों के द्वारा। और ये अधिकारी झारखंड के छात्रों को साथ एक मजाक बना के रखी हुई है झारखंड में। और ये छात्र आज हमेशा
की तरह फिर से एक बार रैली और आक्रोशित होकर के एक धरना प्रदर्शन राजभवन की ओर जा रहे हैं। देखा जाता है, देखा जाए राजभवन में इनका धरना प्रदर्शन क्या कैसा रहेगा। ये छात्र, झारखंड के छात्र आज काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है। देखते हैं सरकार राजभवन में जाकर के वहाँ किस प्रकार से इनकी रैली का एक प्रदर्शन किया जाता है। और देवेंद्र महतो और मनोज यादव और अशोक भारती जी के नेतृत्व में झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोग रांची में हैं। रांची में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा पिछले दिनों 29 अक्टूबर को झारखंड में जेएसएससी नगर पालिका का जो एग्जाम्स परीक्षाएं ली गई थी उसमें भारी मात्रा में पेपर लीक किया गया था। और तो और उसके जो रोल नंबर क्रमांक नंबर थे उसको भी मार्कर पेन से लिखा हुआ था। उसके बाद उसके सील टूटे हुए थे और ये सील जो है, और इस तरह से छात्रों के साथ मजाक बनाया जाता है जबकि पेपर को पूरी तरह से सील बंद होना चाहिए और इनको जो है सील बंद ना होकर के सील टूटा रहना और मार्कर के उसके कॉपी में मार्कर के द्वारा लिखा रहना जो कि प्रिंटेड होना चाहिए वो नहीं होना एक बहुत ही बड़ा एक घोटाला है, घपला है। तो सूरज होश में आओ, जब जब छात्र बोला है आज छात्र झारखंड के छात्र बहुत ही आक्रोशित है। सेटिंग बंद करो, जब जब छात्र बोला है जैसे एग्जाम में धांधली करना बंद करो, पेपर लीक करना बंद करो, जैसे एग्जाम में धांधली करना बंद करो, दोषियों को फांसी दो, जैसे सेटिंग गेटिंग करने वाला को फांसी दो, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, लोड़ी सूत्री करना बंद करो, जैसे एग्जाम में लोड़ी सूत्री नहीं चलते हो, डोगी ड्रामा बंद करो, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, तो देख रहे हैं ये भारती जी के और छात्र यूनियन जो है छात्र संगठन काफी गुस्से में है क्योंकि यहाँ के झारखंड में लगातार जो है कई वर्षों से इसी तरह से छात्रों के साथ मजाक बनाया जा रहा है। हर वर्ष जो है किसी न कोई एग्जाम्स में उसको पेपर लीक कर दिया जाता है या फिर किसी तरह की गड़बड़ी की जाती है जिसके द्वारा छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और ये गरीब छात्र झारखंड के छात्र बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, यहाँ कराची में हॉस्टल में रहते हैं और इनको जो पढ़ाई में इनके माता पिता बहुत ही कष्टपूर्वक अपने पैसों को जुटाते हैं और इनको हॉस्टल में रखते हैं, पढ़ाते हैं। और इनकी ये स्टूडेंट आज जो है झारखंड सरकार की धोखेबाजी कहा जाए या अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों की घोटालेबाजी, अधिकारियों का एक बदमाशी मैं कहूँगा झारखंड में लगातार छात्रों के साथ युवाओं के साथ किया जा रहा है। तो झारखंड में इस तरह की ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, छात्रों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। ये छात्र आज काफी आक्रोशित है राजभवन की ओर ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो देखा जाए।